संयम नोरा के एजेंडे क्या है ये हमें जानकारी नहीं। अमित पुरोहित को खड़ा करने में आपका हाथ है तो ईडी भेज दे। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को सोमवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हेमंत पुरोहित भाजपा से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने संयम लोढ़ा के साथ पूर्व में जुड़े हुए मडवारिया के पूर्व सरपंच दलपत पुरोहित को टिकट दिलवाने के लिए सिरोही, जयपुर और दिल्ली के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन न उन्हें टिकट मिला और न ही दलपत पुरोहित को। भाजपा ने ओटाराम देवासी को चौथी बार टिकट दे दिया। उनको टिकट देने से स्थानीय भाजपा नेता नाराज हो गए। स्थानीय देवासी समाज के नेता को या अन्य जाति के सिरोही विधानसभा के जन्मे जाए नेता को टिकट देने की बजाय जिले से बाहर के नेता को चौथी बार टिकट देने का गुस्सा अंदर खाने हर स्थानीय भाजपा नेता में उबाल मार रहा था, लेकिन इस विरोध को बाहर निकाला हेमंत पुरोहित ने। उन्होंने तीन दिन पहले सिरोही में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनके साथ भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक पुरोहित और भाजपा के पार्षद सुरेश सगरवंशी भी थे। इन लोगों ने संगठन के द्वारा स्थानीय नेता को टिकट नहीं देने को लेकर आक्रोश जताया था। उन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के बाद भाजपा के प्रत्याशी भी सिरोही विधानसभा से बाहर के व्यक्ति को बनाने पर आक्रोश व्यक्त किया। हेमंत पुरोहित की रैली में शामिल चेहरे एक खास इशारा कर रहे थे। इस रैली में शामिल लोग ये बता रहे थे कि हेमंत पुरोहित के द्वारा सिरोही में निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने के निर्णय वाले दिन हुई कांग्रेस के नेता और स्थानीय व्यवसाय की बैठक रंग लाई है। हेमंत पुरोहित पर संयम लोढ़ा के लिए काम करने का और संयम लोढ़ा का चेहरा होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन संयम लोढ़ा और हेमंत पुरोहित दोनों ही इस बात से इनकार करते रहे हैं। हेमंत पुरोहित की नामांकन रैली भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ लेकर चली थी। यदि संयम लोढ़ा और ओटाराम देवासी की नामांकन रैलियों में सिर्फ मतदाता ही शामिल थे तो यह माना जा सकता है कि हेमंत पुरोहित की नामांकन रैली में भी मतदाता ही शामिल थे। ये भीड़ यदि वोट में तब्दील होती है तो ये कहा जा सकता है कि हेमंत पुरोहित कांग्रेस या भाजपा के उम्मीदवार की तरह ही कड़ी टक्कर की स्थिति में है, या इन दोनों के लिए या दोनों में से किसी एक के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। सभी नागरिकों को नमन करते हुए मैं आराध्य देव भगवान को नमन करते हुए, मैं राम सुल्तान को नमन करते हुए, मैं रोमानाजी सतु सिंह जी काजी को नमन करते हुए आज सभी की आवाज बनकर सिरोही की स्थानीय की मांग को लेकर, सिरोही के जाए जन्मे की मांग को लेकर आप सभी के आशीर्वाद से आज इस सर्वज्ञ दरवाजे से यह ऐलान करता हूं कि जो भी यहां पर भागी आएगा सब मुझे राम सुल्तान जी और खानन सुंदी मान जी की सबको यहां से सीएम मांगना पड़ेगा। इसका नहीं हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता था, मैंने क्या समस्या बलिदान मेरे बच्चे पांचवी स्कूल में पढ़ते थे ये भी मैंने ध्यान में दिया, मेरा बच्चा पांचवी क्लास में पढ़ता है ये भी मैंने ध्यान दिया, पार्टी मैंने पार्टी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया और पार्टी ने सेवक के स्थानीय स्थानीय भाषणों को कह दिया, जिला अध्यक्ष दिया तो उन्हें भूल गया, किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष दिया तो महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष जी को हरियाणा की और यहां पर एमएलए का टिकट दिया तो वो भी पानी का हमारे देवासी समाज को टिकट दो, हमारे यहाँ के गाय चंद्र देवासी को टिकट दो। छोटा राम जी कहते हैं कि मैं धर्म की जगह लेके आ रहा हूँ, यहाँ के दो संत हिंदुत्व की बात करने वाला होता राम जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के दो संत श्री श्रीपाल जी और दादू की रिंगी पास थी, इन दोनों ने संतों ने टिकट मांगा था। आज अगर आप अगर संतों का सम्मान करते, अगर हिंदुत्व का सम्मान करते
सामने आज टिकट नहीं जाते उस संतों के सभी हमें आपको तो यहाँ पर विश्व के नेता का छात्र का मूल सकते हैं यहाँ से कितना भ्रष्टाचार करता माल बढ़ो का मूल्य बने थे या पूरी सेवा की जनता जाती मैं इस तरह के काम करने के आया हूँ मैंने यहाँ के लोगों को हक मिलना चाहिए हर घर में सैनिक माता बहनों के लिए मेरा उद्योग करना चाहिए युवाओं का हर घर में करना चाहिए मैं नीति के अंदर हमारे सिवाय के स्थानीय वासियों को पद करना चाहिए ये मेरी मांग आपको मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसे धर्म की बात करते हैं साधु संतों के सम्मान की बात करते हैं लोगों को गुमराह करते हैं बैठाने में वो लोग क्या के सुनोगे की हमारी पूरी थोड़ी मारी जनता बासी आया बासी आया बासी आया खाना बासी आया भौगोलिक आया भौगोलिक बासी नहीं बासी तो अचारा सिखाई रहे के दलिया है कानेश्वर महादेव हमारी
सगे अमान है, कुमंदी अमान है, सागा अमान है, पाटी हमारी, मामा अमान है, पानी अमानी, धरा अमानी, वायु हमारा, पानी हमारा, काम हमारे कच्चा में आते हैं, एक मांगो हम तुम्हारे को हाथ दी। आप सभी बना रहे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।